फिरोज खान ने 2014 में अपना ड्रामा डेब्यू किया और अब तक मुतअद्दी ड्रामास में अदाकारी कर चुके हैं, जिसमें खानी और खुदा और मोहब्बत सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले हैं। इस वीडियो में आप फिरोज खान के तमाम ड्रामास की लिस्ट के बारे में जानेंगे। बिखरा मेरा नसीब फिरोज खान का पहला ड्रामा सीरियल था जो 2014 में ऑन ईयर हुआ। इसकी कास्ट में फिरोज खान के अलावा आयजा खान, समी खान और अलीजी रसूल शामिल थे। चुप रहो एआरवाई डिजिटल का ड्रामा सीरियल था जो अगस्त 2014 में ऑन ईयर हुआ। इसकी कास्ट में सजल अली और जिब्रान नासिर भी शामिल थे। तुमसे मिलके फरवरी 2015 में एआरवाई डिजिटल पर आया था, जिसके कास्ट में रुबाब हाशिम, अफान वहीद और सुम्बल इकबाल शामिल थे। गुलराना एक हम टीवी का ड्रामा था जो नवंबर 2015 में ऑन एयर हुआ। इसकी मेन कास्ट में फिरोज खान के अलावा सजल अली और इमरान अशरफ शामिल थे। वो एक पल हम टीवी का ड्रामा था जो मार्च 2014 में रिलीज हुआ। इसकी कास्ट में फॉर्मर एक्ट्रेस आयशा खान, रमशा खान और फिरोज खान शामिल थे। खानी जियो टीवी का एक सुपरहिट ड्रामा था जो नवंबर 2017 में ऑन एयर किया गया। मेन कास्ट में सना जावेद के अलावा अली अंसारी शामिल थे। रोमियो एंड जूलियट जियो टीवी का एक कॉमेडी ड्रामा सीरियल था जिसमें खानी से फेम हासिल करने वाले कपल सना जावेद और फिरोज खान ने अदाकारी की। दिल क्या करे जियो टीवी का ड्रामा था जो जनवरी 2019 में रिलीज हुआ। इसकी कास्ट में यमुना जैदी और जैन बेग शामिल थे। इश्किया एआरवाई डिजिटल का सुपरहिट ड्रामा था जो फरवरी 2020 में ऑन एयर हुआ। इसकी कास्ट में रमशा खान, हानिया आमिर और गौहर रशीद शामिल थे। खुदा और मोहब्बत सीजन 3 जियो टीवी का एक फेबुलस ड्रामा सीरियल था जो 2021 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला ड्रामा था। इकरा अजीज ने फिरोज खान के साथ मरकजी किरदार निभाया। अहम मुश्तखाक जियो टीवी पर हर सोमवार और मंगल को लगाया जाता है, जिसमें फिरोज खान और सना जावेद को रीयूनाइट किया गया है। इन दो के अलावा असद सिद्दीकी और निमरा खान इस ड्रामे में अदाकारी कर रहे हैं। इन सब ड्रामास में से आपको फिरोज खान का कौन सा ड्रामा सबसे ज़्यादा पसंद है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।